अब नीचे को देख रहा है। ऐसा लग रहा कि टाइगर ने फॉक्स को ही लटक लिया है। अच्छा, लटक लिया या लपेट लिया? हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और अंधेरा है भाई पूरा 5:15। मैं निकल चुका हूँ भाई जंगल चरने के लिए। भाई आज गेस्ट का रिजॉर्ट है पवलगढ़, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ उससे थोड़ा सा आगे जाके। भाई वो तो अच्छा है कि मेरा घर भी अगल बगल ही। मैंने कहा चलो मैं आपको पिकअप कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। गेस्ट बहुत प्रेमी है, दूसरी बार आ रहे हैं, पहली बार किसी कारण से मैं उनके साथ नहीं जा पाया था, तो भाई ने बिल्कुल रिक्वेस्ट की युवराज भाई आप ही आना। तो भाई मैंने कहा बिल्कुल हम ही आएंगे। तो भाई निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। बोलो सीताराम। बेसिक जानकारी देते हैं गाड़ी में भी, बिल्कुल भैया ने सही बोला। अपना फ़ोन वॉलेट आपने संभाल के रखना है, कुछ भी खाएंगे और रैपर वगैरह नीचे नहीं फेंकना है। आपके संग छोटे बच्चे हैं, अगर सडनली कोई भी फाइल लेने वाला अगर गाड़ी के करीब आता है ना तो आप लोगों ने चिल्लाना नहीं है। ओके पहल, ठीक है, एकदम नहीं बोलना, हाँ चिल्लाना नहीं है आपको। से डर उसका, अच्छा आपको लगता है डर, हाँ चलो कोई बात नहीं। आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी युवराज भैया की है। ओके, नजरें आप चौकन नहीं रखिएगा, अभी आप प्रॉपर तरीके से जंगल के अंदर ही हैं। क्योंकि भैया जो आप बोल रहे थे ना मेटल रोड 2014 ना, ये जो रोड है उसी गांव के लिए थी किसी ज़माने में। गांव को तो रिलोकेट कर दिया, रोड को नहीं तोड़ा। रोड है, रोड का तब से कमर्शियल यूज़ नहीं है। तो चौकन नहीं रहे, बेसिक जानकारी आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेगी। पर क्या है ना, अभी सुबह की सफारी का टाइम है, तो सुबह का पहले एक घंटा टाइगर साइटिंग के लिए बहुत अहम होता है। तो अभी मैं भी खुद शांत होकर चलूँगा, जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी आपको बताना चाहिए वहाँ पे मैं आपको बताता रहूँगा, और थोड़ा सा मैं आपके बारे में जान रहूँगा। भैया बताइए अपने बारे में कुछ, कहाँ से हैं आप और कौन सी बार आ रहे हैं कॉर्बेट? मैं दिल्ली से आया हूँ और ये मेरा चौथी बार है जिम कॉर्बेट का। बहुत सही, बहुत सही। तीसरी बार तो आपके साथ है, और 2014 में पहले ये करी सफारी अपनी, इसकी चिरिंडा की करी थी, तीन बिजरानी की करी थी, तब वहाँ पे पूरा ग्रुप देखा था, एलिफेंट का टाइगर देखी थी शर्मिली के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल। और सीता बनी तब ली थी, 5-6 सफारी ली थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई ये गेस्ट जो है हमारे पुराने गेस्ट हैं, पहले भी हमारे संग सफारी कर चुके हैं, और ये 2014 से पहले भी आए हैं जब ये ढीला करके एक विलेज होता था लालडांग करके। तो भैया को पता है, भैया बता देते कि ये प्रॉपर यहाँ पे गांव होता था, और छिरना को 1992 में रिलोकेट किया था। जहाँ जहाँ पे आपको ऐसे नाले जैसे दिख रहे हैं ना, जहाँ पे पानी का जाने का, वहाँ पे आप लोग भी नज़र काफ़ी रखेंगे। जंगल में डेंसिटी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, तो इतना आसान नहीं है बाघ को ढूंढना, क्योंकि बाघ का प्लस पॉइंट है कैमोफ्लाज, वो यहीं कहीं छुप जाएगा, इजीली मिल भी नहीं पाएगा। जी बच्चे, लंगूर है, लंगूर है, लंगूर के संग उसका छोटू बेबी है, देखो पहल है ना गोद में। अभी मुर्गी भी जा रही थी। रेड जंगल फाउल बच्चे यार। चलो पहल ने बोला मोर था तो मोर ही था, नो डाउट। तो हमारा हाथी तो ऐसा यूपी से घूमते 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 राजा जी नेशनल पार्क होते होते जिम कॉर्बेट होते हुए नेपाल के चितवन तक जाता है। आपने आंखें देखी, हाथी की छोटी छोटी आंखें होती हैं, उसके ठीक पीछे हाथी की आंखों के पीछे कान होते हैं, इसलिए होते हैं उसको पता ही नहीं रहता हाथी को कि मेरा शरीर इतना बड़ा है। उसे पता चल जाए वो तो आतंक फैला देना। स्पॉटेड डियर देखो, बहुत सारे हिरन हैं। कल यहीं थे तुम या झरना थे? कहाँ पे दिखा था? बजरी पे दिखा। ये सारे खेत होते थे। ढेला जोन में क्या है, आप कहीं भी गाड़ी ले जाओ, किसी भी ट्रैक में घूमने जाओगे, मेटल रोड में जरूर आना आपने। ये जो मेटल रोड है इसमें टाइगर क्रॉस कर, जहाँ पे से हम गाड़ी घुमा रहे हैं ना, सेम यही बटिया है टाइगर की जाने की। बच्चे पीछे देखो, यहाँ से निकलता है टाइगर ये वाले एरिया से, और एकदम टाइगर आएगा, आप लोगों ने डरना नहीं है। ओके पहल, ठीक है,
सबसे पहले हम अंदर वाला डांस मार ही लेते हैं, क्योंकि इधर अभी शांत है और डियर भी हमें नॉर्मल बिहेवियर में मिले थे, अभी देखे थे ना हमने। तो अभी अगर हमने स्पीड से जंगल को थोड़ा भापना है, कम टाइम में एरिया ज़्यादा कवर करना है, तो हमने देखना है भाई एनिमल्स का माहौल कैसा है। डियर आराम से चुग रहे हैं, उनके उनको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कोई अलर्ट वाला मूवमेंट। तो हमने सोचा भाई उधर क्यों निकले। यहाँ पे जो वाटर बॉडी है ना, जब अभी तो चलो नॉर्मल टाइम है, जैसे 8:30-9 बजे के बाद जब धूप पड़ती है ना, तो वो चिलमिलाती भी धूप पड़ रही है, टाइगर को उमस हो रही है, जो हो रही, वो भाई निकल के पानी पे आ जा रहा है, ऊपर वाले पानी पे बैठ जा रहा है। बट 3-4 दिनों से उसने अंदर वाली वाटर बॉडी पकड़ ली है, दो दो बैठे थे परसों। तो पंजे भी चेक करते हुए चलना है यहाँ से, सभी लोगों का कार्य है। देखो भाई प्रिंस, तुम पंजे देख ही नहीं रहे। लगे आगे पीछे लगे आगे आगे इधर दिखाओ ना मंदिर की तरफ। फिर टाइगर किधर को गया, हाँ किधर को गया है, बट क्या ना हमें ये तो नहीं पता फुटप्रिंट अगर अंदर जा रहे होंगे हम इसके पीछे तो जाएंगे नहीं। देखो इधर पूरे लगे हुए हैं, देखो कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं, तगड़ा बाग है। मेल टाइगर है ना ये, मेल अचानक आ गए तो बिल्कुल शांत रहना है। टाइगर मामू आप इधर देखो, मैडम इधर आ गए अब आपकी तरफ, ठीक है सामने भी नजर रखना, आगे सामने चल भी सकता टाइगर, क्योंकि बहुत ताज़ा पंजा है ना। यहाँ देखो, यहाँ नीचे देखो भाई, मेल फीमेल दोनों चले हैं। पूरा भी मूव कर लेता है 12 से 15 ना किलोमीटर पर, ऐसा रेगुलर चलने का तब नहीं होता, ये होता है जब टेरिटरी मार्क कर रहा हो तब चलेगा। होंगे अभी हमें दिख नहीं रहे ना, होंगे मंकी भी होंगे, बंदर भी है, लंगूर भी है। दोनों भैया क्या हाल है, इस टाइम में हो क्या है माहौल इधर? पंजे ही लगे हैं मेल के, कल जो मेल दिखा था यहाँ, यहाँ से कैंपस के पास से मेल लग रहा ऊपर की तरफ चला गया। पंजे तो नीचे को भी आने यहाँ से, हाँ मेल के फीमेल के नहीं। मैं तो आ ही रहा हूँ अभी जस्ट, क्या डीमेल को पंजा आगे मिला? हाँ आगे मिला था पूरा। एक तो बैंड पे लगे हुए हैं वहाँ पे, और इससे इधर को मेल के भी लग रहे हैं पंजे, देखना ठीक है। आप बताओ भैया क्या पूछना है? डियर 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 सामने देखो, एफ आर एच है पर उधर है, पास है गाँव के पास ही, हाँ थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे। सभी एनिमल्स का देखो, सभी एनिमल्स का ना टाइगर के पीछे ही मत पड़ो। बच्चे देखो तो सांबर भी है और डियर भाग रहे हैं, ऊपर बंदर भी थी। स्पॉटेड डियर मेटिंग कॉल है, आवाज बड़ी डरावनी पर ना ऐसे लग रहा है किसी टाइगर ने किसी को लपक लिया, ऐसा लग रहा है कि टाइगर ने फॉक्स को ही लटक लिया। अच्छा लटक लिया या लपेट लिया? देखते हैं बच्चा सांबर क्यों नहीं हिला। हाँ बच्चे बिल्कुल सांबर डियर ना, दोनों हैं बच्चे, पानी के लिए आ रहे हैं ना सारे डियर। थोड़ा सा सांबर अलर्ट भी है ना, स्पॉटेड और सांबर इनकी टेल खड़ गया पूछ।
ये सांबर अपने पैर पटक रहा है ना, देखो ये देखो, देख रहा तो अलर्ट है यहाँ। हाँ अगल बगल ये खासियत होती है इसकी, देखो सांबर की, डियर की जो भी होगा ना वो अपने पैर पटकेगा अगर इसे खतरा लग रहा है। बंदर भी हैं इनके आड़ में, बंदर भी पी रहे हैं। स्पॉटेड डियर मेल फीमेल दोनों का ग्रुप। क्योंकि इनके दुश्मन सबका एक ही है ना बच्चे। ये देखो डियर है, मंकी के छोटे छोटे मंकी है। मैं जरा पंजे चेक करने आया इधर को ना, ये पंजे इधर तो नहीं है। ये भालू चला है देखो मैंने, ऐसे भालू के पैरों के निशान पहचान सकते हो? ऐसा लग रहा है कोई आदमी नंगे पैर चला। ये उसका हाथ है, ये उसका पैर, ये हाथ है पैर है देखो। ये स्लॉथ बियर चला है देखो अभी, अरे भी फ्रेश है देखो, देखो इधर ये टाइगर चला है। कौन सा टाइगर? अच्छा बर्ड में टाइगर, अच्छा वो भी मिलेगा बच्चे, उसका मैं आपको नेस्ट दिखाऊंगा अभी। इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल को बर्ड में टाइगर कहते हैं। अच्छा मुझे लगा आप कुछ और कह रहे हो, हाँ हॉर्नबिल को बोलते हैं, बिल्कुल सही बताया आपके पापा ने आपको। और उसका जो कलर होता है वो भी टाइगर के ही कलर जैसा होता है, बहुत बड़ा बर्ड है। अगर सुनसान जगह में इसकी आवाज़ सुन लोगे ना तो आप डर जाओगे, आपको लगेगा कोई एनिमल बोल रहा है। तो पता कैसी आवाज़ निकालता है, वॉक 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 ऐसी आवाज़ होती है, और बिल्कुल डरावनी आवाज़ किसी बर्ड की। स्पॉटेड मैडम ये आपको दिखेंगे ही मैडम, बड़े बड़े झुंड में ही दिखेंगे आपको, बड़े बड़े हर्ट में रहते हैं ये डियर। और सांबर आपको एक दो दिखे थे ना, तो ये इसका बिहेवियर है फैमिली है, सांबर रहता है फैमिली में। और एक बार्किंग होता छोटा सा दिखता है, वो है सॉलिटरी बिहेवियर का। ब्राउन कलर के, गोल्डन गोल्डन कलर के छोटे छोटे। एक होते हैं एंटीलॉक जो कैटल के होते हैं, गाय भैंसों के ना, ये एक बार गिर गए दोबारा नहीं आते, पर डियर के एंटीलर हर साल गिरेंगे, हर साल नहीं आएंगे। आज ज़्यादातर हमने इस रोड में और बजरी में ज़्यादा रहना है भैया, ठीक है? बाकी माहौल के हिसाब से, कि बाघ इसी में दिख रहा है ना, देखो कल शाम दिखा अभी दिखेगा ये कुछ कंफर्म नहीं है, बट ये वीकली के हिसाब से और ईयरली मंथली के हिसाब से निकालोगे तो साइटिंग इसमें ज़्यादा है, डेला में ना दिख रहा है यहाँ पर अक्सर। तो जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं होते उसे फीडिंग कराता रहता है अपनी चौंस से फीमेल को, और इसी दौरान अगर मेल मर जाता है तो फीमेल अंदर ही मर जाएगी। ये उसका नेस्ट है हॉर्नबिल का, हाँ जो बीच में दिख रहा है ना बच्चे, होल सा वो वाला पीछे भी जी कवर कर लेंगे ना बाद में। मेन मुद्दा सुबह सुबह बाघ का है ना, मोर बोल रहा है यार। ये सब बाद में सर्च करेंगे, हाँ क्योंकि मॉल नहीं है ना, बाहर अभी जो दो भी टाइगर हैं उस तरह के दिख रहे हैं आजकल, तो पहले उधर ही सर्च करेंगे। वहाँ कभी भी मॉल बन सकता है सडनली, सुबह हमने सांभर भी अलर्ट देखे हैं ना वहाँ पे। हाँ वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे बता रहे थे भैया, बहुत सारे डियर हैं बच्चे उधर देखो। हाँ बताओ 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 आप ना, हाँ गूगल पे ना स्लॉट भी है सर्च करो, ड्रॉप भी है सर्च करो, और ना एक ना एक बैच होगा वो पूरा ब्लैक होगा, और उसके बीच में गोल्डन कलर का
ड्रॉप बियर होगा उसको टैप करना, आपका ड्रॉप बियर नीचे गिरता हुआ दिखेगा। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब कई सारे डियर आपको इकट्ठे दिख रहे हैं, टाइगर ऐसे नहीं रहता, वो तो अकेला रहता है, इसलिए थोड़ा आसान नहीं होता ना देखना। और ऊपर से छुप के रहेगा, डरेगा नहीं। अगर जैसे आ रहा है सामने से, उसे लग रहा है गाड़ी ने मुझे फुल शो कर लिया, पूरा बाहर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ियाँ बैक जाएंगी उसके लिए। बहुत टाइम है तो अभी बाघ किले में खड़े रहना पड़ेगा। ओके, आपका नाम क्या है बच्चे? फ्रेया। फ्रेया, फ्रेया और पहल, सही है। जिसको भी अपना नाम बताती हूँ ना, सब बोलते हैं श्रेया श्रेया। अच्छा, सब श्रेया समझते होंगे, तुम्हारा हटके है थोड़ा, फ्रेया, सही है। फ्रेया दीदी के फ्रेंड है, उनका नाम है श्रेया। तो अच्छा, ये पीछे से आ रही है। अरे हो कॉल हुई ना क्या? यहाँ देखो डियर अलर्ट है, आ रहा हूँ। टाइगर तो नहीं है? मार्टिन, मार्टिन। येलो थॉटेड मार्टिन। ऊपर कहावत भी है कि अगर इसको ये दिख जाता है तो टाइगर दिखता ही दिखता है। नहीं भैया, वो अलग है, ये अलग है। वाह, ये कितनी सही है यार, येलो थॉटेड मार्टिन। अब दोबारा सुधरी जा रही है। जो हमें दिखा था ना बच्चे, ये बहुत रेयर है पता, ये लंगूर को मार देता है, इतना पिद्दी सा। हाँ, येलो थॉटेड मार्टिन, नीले गले वाला नेवला भी बोल सकते हो उसे। बहुत रेयर है, मतलब साइटिंग बहुत रेयर होती है इसकी बच्चे। वहाँ पे जो है एयर का अलर्ट का मूवमेंट है ना, इसीलिए हम ज़्यादातर इसको या उसको कवर कर रहे हैं। होने को फॉरेस्ट इधर भी है, पर इधर मूवमेंट कम है ना, गाड़ियाँ उधर से आ ही रही हैं देख के। अच्छा अच्छा, पार्किंग में स्पॉट एंड मीटिंग कॉल। ये किसके वाली वाली? डियर की क्या स्पॉटेड डियर की आवाज है? वो कह रहा है बेल बेल पिछली बार जब हम आए थे तो झरना में हमने किंग कोबरा देखा। दिखाओ, इसका टाइम आ गया सांप देखने का। पूरी रोड जितना बड़ा था। हाँ, यहाँ पे वैसे सांप स्नेक कम दिखते हैं, हमें ज़्यादा सांप अपने खेतों में मिलते हैं, किसान का फ्रेंड होता है ना स्नेक। पर यहाँ पे क्या, अगर मिलेंगे तो आपको तगड़े मिलेंगे, पुराने बड़े बड़े सांप, कोबरा, किंग कोबरा, बड़े बड़े। तो गाइस साहब, क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल रहेगा? गर्मी में? गर्म है। सिटी आने की देर है बस, सिटी आने की देर है, पकने वाला है बस। बड़ा डांट पड़ा, एक ये बुला रहा पलक, तुम्हें बुला रहा पहले। बुला रहा तुम्हें। यहाँ पे कपड़ा क्यों बांध रखा है? खोल दो। और ये क्या है ना, इधर खड़े रहना मजबूरी हो जा रही है। अगर हम एक पूरा राउंड लेते हैं ना, अगर जंगल का, अगर इसी दौरान इधर माहौल बन जाता तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इस एरिया से ज़्यादा दूरी नहीं बना रहे। और बच्चे ना, एलिफेंट भी रेगुलर नहीं दिखता है, वो तो खाता रहता है, चलता रहता है ना,
तो इसीलिए ये भी कंफर्म नहीं कि हाथी भी दिखेगा ही दिखेगा। तो कॉमन दिखने वाले वाइल्ड लाइफ है वो है बंदर, लंगूर, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, ये सब चीज़ कॉमन है, ये दिखती दिखती है, बाकी सब के लिए वॉक करना पड़ता है। ये मुर्गा और मुर्गी, मुर्गा और मुर्गी 50,000 का मुर्गा है बच्चे। हाँ फिर सच्ची कह रहा हूँ, 50,000 का मुर्गा है, पैर महंगा पड़ जाएगा। कहने का मतलब है ये है रेड जंगल फाउल, ये जितने मुर्गे आते हैं ना बाजार में उन सबका डैडी है, तो ये इसे अगर कोई मार दे ना तो 50,000 का फाइन लगता है, पनिशमेंट है ना, और आपको जेल भी हो सकती है 6 मंथ की, ये चीज़ बोल रहे हैं। तो यही टाइगर का एसी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी खास तरीके के बटरफ्लाई में अपने अंडे देती है, जैसे कई टूरिस्ट कहते हैं ना तोड़ लें हम, पर तोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा बोल रही थी मम्मा। पर बच्चे तोड़ना नहीं है ना, तोड़ना नहीं है। अच्छा देखो 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 क्या हो रहा है, नहीं ये है वाइल्ड बोर, बोले तो जंगली सुअर, ठीक है। डियर वो पानी पी रहे हैं, अभी आगे ग्रासलैंड को ही बढ़ रहा है। मेरे घर पे कोई ताला लेके आएगा ना मेरे घर जाकर, तो मैं समझ जाऊंगी वो ही चोर था। अच्छा वही चोर, क्योंकि ना हमारे घर का पुराना ताला चोर। अच्छा सब बता दो तुम। पहल तो बहुत समझदार है। पहल क्या एज है आपकी? 4। अरे बहुत बढ़िया। ये मैडम मेरे इसमें देखो कैमरे में दिख रहा है, अब उधर देखो पेड़ पे कहाँ दिख रहा है, देखो ये बाइनोकुलर लो, बाइनोकुलर से देखो, ये करा रहा था फीडिंग, यहाँ पे है इसका, किस पेड़ में है यहाँ पे इसका कनेक्ट। हाँ हाँ ये है बर्ड में टाइगर, ओके आएगा नहीं तो आएगा फीडिंग कराएगा। बोलना मैं था ना, कॉल भी सुन रहा हूँ, बाहर कॉल हो रही। बहुत रेयर बर्ड है, अगर कोई फॉरेनर होता ना, कोई फॉरेनर होता यही खड़े रह जाता सच में, वो इसी में पूरा टाइम खर्च करता। और शॉट भी अच्छा है ना उसका, नेस्ट है वो जो फीमेल को फीडिंग कराएगा, क्या जबरदस्त शॉट आता है ना, फीमेल उसके अंदर है मैडम, इतनी बड़ी बर्ड उस हॉल के अंदर है। वो ये पेट्रोलिंग करते हैं देखो, तो ऑन फुट देखो जहाँ हम टाइगर को ढूंढ रहे हैं वहाँ ये लोग पैदल चल रहे हैं। दिख रहे हैं ना बच्चों,
नहीं वो अलग है, कैमरे वाले अलग है, ये अलग है। कॉल थे यार कहीं पे? तुम कहाँ पे खड़े थे है? तुम कहाँ पे? ये वाले पे कॉल इधर बीच में हुई थी यहाँ पे। मैं ऑन बिल देख रहे थे यार, नेक्स्ट में है। हाँ निकल के जाओगे तो वहीं पे है, बंदर की कॉल बता रहे थे ना वहाँ ऊपर रोड पे। हाँ क्या हो गया? अभी अभी कॉल हुई थी यार यहाँ पे, मसला तो नहीं हो गया? कौन बिल था ये तो हमने भी देखा था। दिख रहा बच्चे? बहुत सही, इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल। अब नीचे को देख रहा है। इसे हिंदी में बोलते हैं धनेश। तो बच्चों कौन सी बर्ड देखी है आपने बताओ? ऑन बिल। कौन? और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? धनेश। हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ चलें आप ही बताओ? टाइगर पे? बच्चे टाइगर मामू तो सोए हैं। टाइगर मामू सोए हैं। चट्टे गर्मी पड़े। हाँ गर्मी पड़े ना जब उसे थोड़ी उमस लगे ना। अभी लो यार थोड़ा हमारे होटल के पास आ। और आपने होटल कहाँ लिया था? कहाँ बताओगे अपने फ्रेंड्स को? क्या बताओगे? जहाँ जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टाइगर मारा था वहाँ आपका होटल है ना? और कॉर्बेट साहब कौन थे? कॉर्बेट साहब वो एक महान शिकारी और महान राइटर भी थे। एक बहुत अच्छे राइटर थे। कई सारे बेनिटर टाइगर मारे उन्होंने।
पता है आपको, नरबख्शी आदमखोर बाघ मारे हैं उन्होंने, बहुत उन बाघों को मारा जिनको गांव के गांव तबाह कर देते थे वो बाघ। एक बाघ तो इतना खतरनाक था कि उसके लिए साहब आर्मी बुलानी पड़ गई थी। हाँ, आप जिम कॉर्बेट की बुक पढ़ना, द मैनेटर ऑफ कुमाऊ, बहुत खतरनाक है बच्चे। एक लेपर्ड भी था ना, चप्पा वो द मैनेटर ऑफ कुमाऊ, रुद्रप्रयाग वाला लेपर्ड तो बड़ा खूंखार था बच्चे, बहुत जबरदस्त। कई सारे रीजन है मैडम, शरीर के अंग खराब होना, बूढ़ा होना, क्योंकि आपसी टेरिटरी फाइट में मरते हैं ना, कि जब टेरिटरी फाइट होती कोई इंजर्ड हो गया फिर अपने शिकार को कवर नहीं कर पा रहा है तो इजी पेयर ढूंढता है, जैसे ह्यूमन वगैरह ना ये रहता है। और हमारे वहाँ पे जो अटैक्स हैं ये हमेशा मैनिटर होने की वजह से ही नहीं हो रहे, इनका कारण ये भी कि हमारे वहाँ जंगल में ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब गाँव वालों का जाना ये सब ना, बताया ना स्टार्टिंग में, जब बकरी रहने जाती है जब झुकती है शेप बनता है एनिमल की तरह। टाइगर ने मार दिया, हो सकता है इंसान कमज़ोर है उसके हल्के झपटने में मर गया हो, फिर उसके बाद डिपेंड करता है इसने बॉडी को खाया है या नहीं खाया। अगर बॉडी खाई है, हाँ, अगर बॉडी खाई है तो हो सकता है वो नरभक्षी हो रहा है, उसे टेस्ट आ गया। वही थी कॉल, मतलब मेन रोड में कह रहे थे यार, वो भुप्पी ने बताया, भुप्पी ने किसी गाड़ी को, उसने मुझे बताया किधर हो रही, हो सकता है पंजे तो पूरे ही हैं इसमें। टैटू नहीं वो बने भी होते हैं बेटा, बच्चे में नेचुरल टैटू होता है। और वो वाला टैटू लालू वाला, वो भी नेचुरल होता है, सब नेचुरल होते हैं बच्चे ना, इनके फेस पे कुछ लालू वाला तो बना भी होता है। सैनवाज भाई अभी कहाँ हुई थी कॉल, इधर हो रही ना, मतलब इस पे लग रहा है उस पे लग रहा था अंदर ना। निकाला मैं तो पाइप बंद करती, यहाँ पे तो चालू है ना, अभी यहाँ जब हो जाएंगे एकाध केस फिर यहाँ भी बंद हो जाएगी, वहाँ पे तो निपटा दिए ना दो तीन, इस बार तो रामू काका को भी लपेट लिया। रामू काका थे यार वो बेचारे, मैं चाय वाय पिला देता था, इस बार ले गया उसे भी टाइगर। नहीं 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 गोली नहीं मार सकते, हवाई फायर कर सकते हो डराने के लिए, कई राउंड फायर निकाले पर टाइगर ने नहीं छोड़ा। फायर तो करना ही नहीं है मैडम, टाइगर को सात आठ खून माफ है, वो सात आठ लोगों को भी मार देता, उसके शूट आउट के ऑर्डर नहीं आते, समझ रहे हो। सडनली रहा होगा ना स्पीड से, अब वो कैमरा निकाल पाए इसका मतलब उसकी गति ज़्यादा थी। अरे नज़र नहीं कैसे नहीं पड़ी यार, झूठ तो खैर नहीं बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे, टूरिस्ट बैठा है उसमें। लड़ाई हो रही है आपस में, ये कॉल नहीं है, ये थी इधर डियर बोला, ये रुक रुक के बोला। स्टार्टिंग वीडियो जरूर आया था पर एक वीडियो को देख के आप ये नहीं कह सकते वहाँ रेगुलर दिखता हो ना, ऐसा तो हमें छिरना में भी एक बार एक ब्लॉग में मिला, लेपर्ड ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ था ना, और ठीक उससे एक दिन पहले हमें उसके पैरों के निशान मिले थे। बोलो मेरे बच्चे बोलो ना, वाइल्ड बोर विथ फैमिली, छोटे छोटे बच्चे हैं।
बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डियर भी पैर भटक रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। स्मेल आ रही हल्की हल्की ना, स्पॉटेड का स्मेल भी आती है ना, वो भी पास नहीं आता है। अलर्ट ये सुबह से है, वो तो गाड़ी खड़ी है भैया, वो जो वो करवा रही थी ना वो खड़ी है, जो कैमरा ट्रैप लगवा रही है। अरे अंदर, अरे अरे वहाँ है गेस्ट हाउस, ढेला का रोड पे ही है, केला का जो FRH है ना, यहाँ से भी वहाँ से भी घूम के, जो सामने से नहीं आ रही गाड़ियाँ वहाँ से, ये लो आ गया एग्जिट। तो भाई बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही भाई, टाइगर तो दिखा रही, पता नहीं क्या हो रहा है भैया के संग, जब भी हमारे संग जाता है टाइगर का माहौल नहीं बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत नेचर प्रेमी दोबारा आते रहेंगे, पर हमें बहुत रेयर साइट हुआ है, येलो थ्रेडेड मार्टिन और हॉर्नबिल, हॉर्नबिल जिसे बर्ड में टाइगर कहते हैं, वो बहुत अच्छा मिल गया था हमें। टाइगर के लिए लास्ट तक संघर्ष किया भाई, और एक जगह पर तो ऐसा सीन हो गया कि हम खड़े थे, एक बोला गया टाइगर हमारे पीछे से निकल गया, वो है कॉन्ग्रेचुलेशन टाइगर आपके पीछे से निकल गया, तो वो भी शॉट नहीं ले पाए थे। कोई दिक्कत नहीं भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यारों में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।